गर्मी के मौसम में आग लगने की घटना सामान्य तौर पर बढ़ जाती है। इस मौसम में ज़्यादातर खेत में खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। वहीं कई बार बिजली के उपकरणों से होने वाले शॉर्ट सर्किट से भी आग लग जाती है। आपने दमकल विभाग के लोगों को फायर एक्सटिंग्विशर के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश करते भी देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग लगने वाली स्थिति पर निर्भर करता है। पेपर, कपड़े और लकड़ी में लगी आग पर काबू पाने के लिए गैस में लगी आग को बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एक्सटिंग्विशर का अलग अलग प्रकार का काम भी अलग अलग है, तो आइए जानते हैं इन वीडियो में एक्सटिंग्विशर के बारे में विस्तार से पूरी फुल इन्फॉर्मेशन। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच कीजिए। नंबर वन पर आता है फोम एक्सटिंग्विशर। डीजल, पेट्रोल या किसी ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल किया जाता है। फोम एक्सटिंग्विशर पर क्रीम कलर का लेबल होता है। इस एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से पेपर और कपड़ों में लगी गंभीर आग को भी बुझाया जाता है। नेक्स्ट है वाटर एक्सटिंग्विशर। वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल आग बुझाने में सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके इस्तेमाल में आने वाला खर्च भी काफ़ी कम होता है। बता दें कि आग के प्रभाव के हिसाब से वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने के लिए अलग अलग पॉइंट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाउडर एक्सटिंग्विशर। इस एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कई रूप में किया जाता है। वैसे इस एक्सटिंग्विशर का मुख्य उपयोग बड़े इमारत के भीतर किया जाता है। पाउडर एक्सटिंग्विशर वैसे जगहों पर प्रयोग में लाया जाता है जहां किसी अन्य तरह के एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पाउडर एक्सटिंग्विशर पर नीले रंग का लेबल होता है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। ऐसे एक्सटिंग्विशर का उपयोग वैसी जगहों पर किया जाता है जहां बिजली के ज़्यादा उपकरण हो। किसी कंपनी के सर्वर रूम में लगे आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर को इस्तेमाल में लाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर पर काले रंग का लेबल होता है। इसके इस्तेमाल से आग पर बहुत जल्दी काबू पाया जा सकता है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर अन्य एक्सटिंग्विशर्स के मुकाबले काफ़ी महंगा होता है। नेक्स्ट है बेट केमिकल एक्सटिंग्विशर। खाने के तेल से लगने वाले आग को बुझाने के लिए बेट केमिकल एक्सटिंग्विशर काफ़ी असरदार है। अगर इस एक्सटिंग्विशर का ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह काफ़ी प्रभावी होता है। बेट केमिकल एक्सटिंग्विशर पर पीले रंग का लेवल होता है। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं।